गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद फैजान अहमद। टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैसेज ऑथेंटिकेशन पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन का सेकंड टाइप मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को डिस्कस किया था। आज हम हैश फंक्शन को डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है, तो उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ आ जाए कि ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन के टाइप्स क्या हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैश फंक्शंस, हैश फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं HM इक्वल टू फिक्स्ड लेंथ कोड। M क्या है? प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। H हैश फंक्शन है। इट मीन्स किसी भी प्लेन टेक्स्ट मैसेज M पर हैश फंक्शन अप्लाई किया तो फिक्स लेंथ कोड जनरेट होता है। इस फिक्स लेंथ कोड को ही हम हैश कोड बोलते हैं और यही हैश कोड एज एन ऑथेंटिकेटर एक्ट करता है। ये जो हैश कोड जनरेट होगा, जो फिक्स लेंथ कोड होगा, यही एज एन ऑथेंटिकेटर एक्ट करता है। सपोज ये एक सेंडर A है और ये रिसीवर B है। ये एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज M है जो सेंडर A रिसीवर B को भेजना चाहता है। तो इस प्लेन टेक्स्ट मैसेज M पर सबसे पहले हैश फंक्शन अप्लाई किया जिससे एक हैश कोड जनरेट हुआ। इस हैश कोड को अपेंड किया विद प्लेन टेक्स्ट मैसेज। इस हैश कोड को अपेंड किया विद प्लेन टेक्स्ट मैसेज। फर्दर इसको इनक्रिप्ट किया विद द हेल्प ऑफ K। K इज सीक्रेट की जो सिर्फ सेंडर A और रिसीवर B को पता है। इंक्रिप्शन के बाद M डैश मैसेज जनरेट हुआ और M डैश के साथ H जो है वो अपेंडेड है। रिसीवर एंड पे क्या होगा? रिसीवर सबसे पहले M डैश को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ K। K इज सीक्रेट की जो सेंडर को पता है और रिसीवर को पता है। देन रिसीवर को ओरिजिनल मैसेज M मिल जाएगा, लेकिन इस M के साथ अभी भी H अपेंडेड है। फर्दर इस M पर रिसीवर हैश फंक्शन अप्लाई करेगा जिससे हैश कोड जनरेट होगा। इस हैश कोड को और अपेंडेड हैश कोड को आपस में कंपेयर किया जाएगा। इस टेक्निक में ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो रहा है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो रही है। ऑथेंटिकेशन ऐसे अचीव हो रहा है कि कंप्लीट पार्ट मीन्स हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हैश कोड जनरेट हो रहा है, उसे अपेंड किया जा रहा है प्लेन टेक्स्ट मैसेज के साथ और उसके बाद उसे इनक्रिप्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ K। K जो है वो सिर्फ सेंडर A को पता है और रिसीवर B को पता है, इन दोनों के अलावा किसी के साथ भी शेयर्ड नहीं है। तो फिर इससे ही हमें ऑथेंटिकेशन अचीव हो जाएगा कि कोई भी तीसरा बंदा इस पूरे पार्ट को इनक्रिप्ट नहीं कर सकता और इसी तरह से रिसीवर एंड पर कोई भी इस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता सिवाय रिसीवर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हैश कोड को इनक्रिप्ट नहीं किया है। अब जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे उसमें हम हैश कोड को भी इनक्रिप्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये सेंडर A है और ये रिसीवर B है। ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज M है। इस प्लेन टेक्स्ट मैसेज M पर हैश फंक्शन अप्लाई किया, उससे हैश कोड जनरेट हुआ। इस हैश कोड को इनक्रिप्ट किया विद द हेल्प ऑफ K। देन हैश कोड जनरेट हुआ जिसे हमने H डैश से रिप्रेजेंट किया। इस इनक्रिप्टेड हैश कोड को अपेंड किया विद प्लेन टेक्स्ट मैसेज। फर्दर इस पूरे पार्ट को मीन्स इस इनक्रिप्टेड हैश कोड को अपेंड किया विद प्लेन टेक्स्ट मैसेज। रिसीवर एंड पे ये एज ए M ही रिसीव होगा, लेकिन इसके साथ H डैश जो है वो अपेंडेड होगा। ये इनक्रिप्टेड हैश कोड अपेंडेड होगा मैसेज M के साथ। रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर इस M मैसेज पर हैश फंक्शन अप्लाई करेगा जिससे हैश कोड जनरेट हो जाएगा और उसके बाद इस हैश कोड को मीन्स इस इनक्रिप्टेड हैश कोड को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ K। तो इससे हैश कोड जनरेट होगा और इस हैश फंक्शन को अप्लाई करने के बाद जो हैश कोड जनरेट हुआ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा। इस टेक्निक में आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन तो अचीव हो रहा है लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कहीं पर भी इनक्रिप्ट नहीं किया जा रहा। इसी तरह से प्लेन टेक्स्ट मैसेज को कहीं पर भी डिक्रिप्ट नहीं किया जा रहा। ये नेटवर्क में ओरिजिनल मैसेज ट्रैवल कर रहा है जिसकी वजह से कोई भी इस मैसेज को रीड कर सकता है।
ऑथेंटिकेशन तो अचीव हो रहा है कि हम हैश कोड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं और हैश कोड को डिक्रिप्ट कर रहे हैं विद के सीक्रेट की, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव नहीं हो रही। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो जाए और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो जाए। सपोज ये एक सेंडर ए है और ये रिसीवर बी है, ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम है। इस प्लेन टेक्स्ट मैसेज एम पर हैश फंक्शन अप्लाई किया जिससे हैश कोड जनरेट हुआ एच। इस एच को इनक्रिप्ट किया विद द हेल्प ऑफ पी आर ए, प्राइवेट की ऑफ ए से हमने इस हैश कोड को इनक्रिप्ट किया। प्राइवेट की ऑफ ए सिर्फ सेंडर ए को ही पता है, इसके अलावा किसी को भी नहीं पता है। तो इससे इनक्रिप्टेड हैश कोड जनरेट हुआ जिसे हमने एच डैश से रिप्रेजेंट किया है। इस एच डैश को अपेंड किया विद प्लेन टेक्स्ट मैसेज एंड फर्दर इस पूरे पार्ट को, मीन्स इस एच डैश को अपेंड किया प्लेन टेक्स्ट मैसेज के साथ एंड देन इसे इनक्रिप्ट किया विद द हेल्प ऑफ के, के इज सीक्रेट की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। असिमेट्रिक पी आर ए, ये जो असिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है प्राइवेट की और पब्लिक की, और सीक्रेट की मीन्स शेयर्ड सीक्रेट की, ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक दोनों का ही हम यूज कर रहे हैं। तो आफ्टर इंक्रिप्शन मैसेज एम डैश में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ एच डैश अपेंडेड होगा। रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर सबसे पहले एम डैश को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ के, के इज सीक्रेट की। डिक्रिप्शन के बाद उसे ओरिजिनल मैसेज रिसीव हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस ओरिजिनल मैसेज एम के साथ एच डैश अपेंडेड होगा। नाउ इस एम पर हैश फंक्शन अप्लाई करेगा जिससे हैश कोड जनरेट होगा और साथ ही साथ इस हैश कोड को डिक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पी यू ए। पी यू ए मीन्स पब्लिक की ऑफ ए। पब्लिक की ऑफ ए जो है वो नेटवर्क में सभी को पता होगी, रिसीवर को भी पता है, तो पब्लिक की ऑफ ए से मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। तो इससे सिंपल एच मीन्स जो हैश यहाँ पे था ना, ये जो हैश कोड जनरेट हुआ था ये सिंपल हैश कोड उसे मिल जाएगा, और एम पर जब हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उससे भी हैश कोड मिल जाएगा, सिंपल हैश कोड मिल जाएगा। इन दोनों सिंपल हैश कोड को कंपेयर करेगा। इस टेक्निक में आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन भी अचीव हो रहा है और कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो रही है। ऑथेंटिकेशन ऐसे अचीव हो रहा है कि एच को हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पी आर ए, पी आर ए किसी के साथ भी शेयर्ड नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे अचीव हो रही है कि हम इस पूरे मैसेज को अगेन इनक्रिप्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ के, के जो है वो नेटवर्क में सिर्फ दो ही लोगों को पता है, या तो सेंडर को पता है या फिर रिसीवर को पता है, इन दोनों के अलावा किसी के साथ भी के शेयर्ड नहीं है। सो गाइस ये था टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन का लास्ट टाइप, हैश फंक्शंस। होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।